One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के शासनकाल में यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय श्री काशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार यह पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिन्हें अब विरोधी पार्टियों के लोग अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण अभी तक भी इनको आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। और खास तौर से जहां वर्तमान सपा सरकार के मुखिया तो अपने हर छोटे बड़े कार्यक्रम में इनके विरोध में कुछ ना कुछ बोलने की अपने बाप की ही तरह अब इनको भी यहाँ कुछ चीन वाली बीमारी सी लग गई है। इसलिए अब आप लोगों को अपने पार्को व स्मार्को आदि के विरोध का इनका तिल भर भी आप लोगों को कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में यहाँ सर्व समाज के लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति भी नहीं होने दिया है। अर्थात हमारी सरकार ने जुल्म जाति करने वाले लोगों को यहाँ बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ उनकी असली जगह होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने हमें नहीं दिया। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से लगे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी कुछ मामलों में प्राइवेट सेक्टर के जरिए विकसित करने के लिए भी इसकी हमने केंद्र की सरकार से अनुमति देने की भी अपील की थी, लेकिन उसे भी नहीं दिया गया। और आप लोगों को मालूम है कि हमारी सरकार जेवर में तो यहाँ पर बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहती थी, इसकी भी इजाजत मांगी, लेकिन वो भी हमें नहीं दी गई। और यहाँ पर यदि जेवर में बड़ा एयरपोर्ट बन जाता तो यहाँ पर काफी लोगों को रोटी रोजी के साधन मिलते, लेकिन केंद्र की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके साथ साथ यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के अलग से खंडपीठ बनाने के लिए भी हमारी पार्टी ने अनेकों बार केंद्र की सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन इसे भी अभी तक नहीं माना गया है। इसके अलावा हमारी पार्टी की सरकार के समय में ही प्रदेश की लगभग 17 अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को यहाँ SC ST के आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की शर्त के साथ ही इन्हें इनकी सूची में शामिल किए जाने के लिए भी केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी गई है, जिस पर भी केंद्र की सरकार ने अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी प्रकार केंद्र की सरकार के अधीन या उत्तर प्रदेश की जो वर्षों से बड़ी बड़ी सड़कें, राष्ट्रीय मार्ग व पुल आदि भी खराब हालत में पड़े हुए थे, तो उन्हें भी हमारी सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा ठीक नहीं कराया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश व यहाँ की जनता के संपूर्ण विकास एवं उत्थान के लिए भी हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी यहाँ की असेंबली से पास करा के जो केंद्र की सरकार के पास भेजा गया था, जिसमें आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अलग से नया राज्य बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसे भी अभी तक केंद्र की सरकार ने मंजूरी नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश वह यहाँ की जनता के विकास वह उत्थान के लिए केंद्र में रही
अभी तक की या सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने अपने देश को अब तक यहाँ से कई प्रधानमंत्री भी दिए हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि ऐसी स्थिति में केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर हमारी पार्टी की सरकार आपके उत्तर प्रदेश के केंद्र से जुड़े हुए इन सभी लटके पड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जरूर पूरा करा देगी। इसके साथ साथ हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह फिर पूरे देश में भी जहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी और इस मांग सुधार दिया जाएगा, जबकि इनकी इस बात में हमें कोई खास ज्यादा दम नजर नहीं आता है, क्योंकि किंतु फिर भी इस बारे में हमारी पार्टी का इनसे ये कहना है कि जब इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में अपने खुद के नेतृत्व में जहाँ लगभग 6 वर्षों तक सरकार चली थी तो तब फिर उस समय इन्होंने इन 6 वर्षों की लंबी अवधि में यह अपने देश की हर स्तर पर बिगड़ी हुई हालत को क्यों नहीं सुधार दिया था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश है बहुजन समाज पार्टी को किस पार्टी के साथ साथ यहाँ किस पार्टी के साथ अधिकांश दलितों का पूरा वोट पढ़ने के मिलने के साथ साथ या पिछड़ों का भी वोट और अपर कास्ट समाज के लोगों का भी काफी हद तक वोट मिलता है। यदि हमारे मुस्लिम समाज के लोग अपना एक तरफा वोट दे देते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दोनों सीटों पर फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर इनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछली बार लोकसभा के आम चुनाव में आप लोगों ने इस सीट से यानी कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से उस समय बीएसपी के उम्मीदवार श्री सुरेंद्र नागर को आप लोगों ने जिताकर भेजा था, जिसने प्रदेश में सपा की सरकार के बनते ही फिर इस पार्टी में जाने के लिए अपनी किस्म किस्म की नाटकबाजी शुरू कर दी थी और इसके साथ ही अब उसने अपना असली रंग दिखाकर ये भी साबित कर दिया है कि उसका ना अपने समाज के हितों से कोई लेना देना है और ना ही उसका उस पार्टी से भी कोई लेना देना है जिससे वे जुड़ा है। अर्थात उसका राजनीति में आने का एकमात्र मकसद केवल अपने निजी स्वार्थ में अपने खुद के कारोबार को आगे बढ़ाना है। Thank you.